गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7 सब्जेक्ट हिस्ट्री, लेसन नंबर 3 एक्सटेंशन ऑफ सल्तनत खिलजी डेंसिटी 1290 एंड 1320 तक रहा इनका पीरियड, सल्तनत काल का विस्तार और खिलजी वंश। इससे पहले हमने बलवन के बारे में पढ़ा था, आज हम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से लेकर 1296 तक इसके बारे में जानेंगे। बलवन के मृत्यु के बाद दिल्ली में कुछ समय के लिए अव्यवस्था फैल गई। सत्ता प्राप्त करने के लिए तुर्क और खिलजी अमीरों में प्रयास जारी होते गए। वो हमेशा प्रयत्न रहे कि मैं सिंहासन पर बैठूंगा। इस संघर्ष में क्या हुआ, खिलजी जो सरदार थे उसमें जलालुद्दीन फिरोज सुल्तान बनने में सफल रहा। यह खिलजी वंश का संस्थापक भी कहलाया। वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने सहिष्णुता तथा दंड के नियमों को मानवीय बनाने की नीति पर ध्यान दिया था, परंतु लोगों ने इस नीति को उसकी कमजोरी समझा। इससे जगह जगह विद्रोह होने लगे थे। सुल्तान का जो भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, जो कड़ा इलाहाबाद एवं अवध का इक्तादार और रक्षा मंत्री था, देव गिरी पर आक्रमण करने के लिए स्वयं निकल गया। वहां उसे विजय के साथ साथ अपार धन भी प्राप्त हुआ। उसके पश्चात जलालुद्दीन की जो मृत्यु हुई वो 1296 ईस्वी में उसे सिंहासन पर अलाउद्दीन खिलजी को बैठा दिया गया। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम पढ़ेंगे, जो 1296 से लेकर 1316 तक उसका शासनकाल रहा। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली के तख्त पर बैठाया गया। वह महान विजेता, कुशल शासक और चतुर राजनीतिज्ञ था। प्रशासन में किस तरीके से उसने परिवर्तन किया वो यहाँ पढ़ेंगे। डिस्नेक्ट ऑफ रिलीजियन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में राज्य और धर्म का अलगाव किस प्रकार हुआ। अलाउद्दीन को शासन के मामले में जो उलेमा थे उनका दखल बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वह शासन संबंधी नियम बनाने के लिए और उन्हें लागू करने की बातें उनको बताते नहीं थे या ना उनकी मानते थे। आज भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और उसकी सैनिक व्यवस्था में भी किस प्रकार रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी, सैनिक सुधार भी उस समय क्या क्या किए गए। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का श्रेय उसकी सुसंगठित सेना की तरफ जाता है। अलाउद्दीन ने एक विशाल स्थायी सेना का गठन किया। उसकी सेना में बहुत सारे सैनिक थे। उन सैनिकों की नियुक्ति घुड़सवारी, शस्त्र चलाने की योग्यता के आधार पर की जाती थी। सैनिकों के हुलियों का पूरा विवरण रखा जाता था। सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली भी अपनाई गई थी। घोड़ों पर दाग लगाने की व्यवस्था तभी से ही प्रारंभ हुई थी। अपने विस्तृत साम्राज्य की सुरक्षा के लिए उसने अनेक नए किलों का निर्माण भी कराया था और पुराने जो किले थे उनकी मरम्मत भी कराई थी। इन किलों को रसद आपूर्ति की भी व्यवस्था की गई थी। सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन ने अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया था। उसका उद्देश्य पूरा करने के लिए उसने गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, उज्जैन, मांडूधार तथा चंदेरी के राजपूत राजाओं को हराकर उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया था। इस प्रकार उसने अपना विस्तार किया था।